साथियों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे हमारे पेट के अंदर, हमारी आंतों के अंदर करोड़ों तरह के बैक्टीरिया जो कि नॉर्मल गुड बैक्टीरिया माने जाते हैं, हमेशा रहते हैं। बच्चे के जन्म से लेकर, जबकि बहुत कम नॉर्मल गट फ्लोरा होता है, बहुत हल्का होता है, लेकिन धीरे धीरे आदमी जब एडल्ट होता है तो माना जाता है कि कम से कम 100 ट्रिलियन माइक्रोबैक्टीरिया आपके पेट के अंदर वास करते हैं परमानेंट। और मेनली ये बड़ी आंत के अंदर होते हैं और थोड़े बहुत जो है स्टोमक के अंदर, ड्यूडेनम के अंदर या छोटी आंत के अंदर होते हैं। और भगवान ने एक बहुत ही प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हमारे शरीर के अंदर बनाया है कि ये जितने बैक्टीरिया हैं हमारे शरीर के लिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छे माने गए हैं। उसके कारण ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये बैक्टीरिया जो है आपको बाकी विभिन्न प्रकार के अटैक्स जो आपके शरीर के अंदर होता है उसको नहीं होने देते। नंबर दो, ये इम्यूनिटी को बिल्डअप करते हैं। नंबर तीन, इसके अंदर ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग है और इसके साथ साथ विटामिन के का भी प्रोडक्शन इसके माध्यम से होता है। और ये जितने बैक्टीरिया हैं, जब आज की तारीख में रिसर्च इतनी विश्व के अंदर चल रही है इनके ऊपर, तो माना जाता है कि कम से कम 80% बीमारियां कहीं ना कहीं इनसे लिंक्ड है। जब इनको डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जब इनको डैमेज हो जाता है, तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां। और आज ये कहना बहुत जल्दी होगा कि कैंसर के अंदर, आर्थराइटिस के अंदर, हार्ट के अंदर, ब्लड प्रेशर, शुगर आदि और दिमाग की बीमारियों के लिए भी अगर हम इनको प्रॉपर नहीं रखते तो वो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। अब ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया पड़े हुए, हम जो भी खाते हैं वहां से होकर निकलता है, लेकिन पूरी की पूरी इसके अंदर आप इसकी पैथोलॉजी समझिए, इसका सिस्टम समझिए, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इनके ऊपर चलता है। मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं जो 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 इसके माध्यम से कंट्रोल होते हैं। गैस्ट्रो, पेट की हेल्थ जो है, कई लोगों को IBS या लूज मोशन या सीलिक डिजीज, जो ऐसी बीमारियां हैं वो इसके माध्यम से हो सकती हैं। जनरल हेल्थ जो है, जो जनरल हेल्थ ओवरऑल है, अगर ये अच्छे बैक्टीरिया आपके पेट के अंदर प्रचुर मात्रा के अंदर हैं तो आपको बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबायोटिक्स की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका बच्चों का स्कूल एब्सेंटीज कम हो जाएगा, उनकी जुकाम खांसी और जो इम्यून डिक्रीजिंग बीमारियां होती हैं उनसे उनको छुटकारा मिलेगा, और निमोनिया बच्चे के अंदर और इवन बच्चों के अंदर जो डायबिटीज़ है और महिलाओं के अंदर कई प्रकार के इन्फेक्शन जो हैं वो इनसे कंट्रोल होते हैं। अब जब हम एंटीबायोटिक खाते हैं, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, या बहुत ज़्यादा तली वाली चीज़ खाते हैं, या ग्लूटेन वाली डाइट खाते हैं, कई प्रकार के डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, कई प्रकार के फ्राइड फूड्स हैं, या रेड मीट जो लोग खाते हैं, या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लेते हैं, ये भी माना गया है, अल्कोहल और कैफीन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और रिफाइंड शुगर जो लेते हैं, वो उन लोगों के अंदर इन बैक्टीरियों का नाश होना शुरू हो जाता है। और जब ये नाश होने लगता है तो कई प्रकार की बीमारियाँ, जैसे हमने बात की, तो वो उजागर होने लगती हैं। तो साइंस ने तरक्की की आगे, तो उन्होंने कहा कि कुछ प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स हैं जिनका सेवन करने से हम इन बैक्टीरियों को रिवाइव कर सकते हैं, इनको मेंटेन कर सकते हैं, और उसके अंदर भी हमें नेचर ने बहुत हेल्प करी है। आप जो प्रोबायोटिक्स के अंदर है, प्रोबायोटिक्स वो है जो हम फूड आइटम्स खाते हैं
और आपके शरीर के या आपकी आंतों के जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनको मेंटेन करता है या उनको इम्प्रूव करता है, वो है प्रोबायोटिक्स। जैसे दही है, दही के अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं, या आपके जो 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 फर्मेंटेड फूड्स हैं वो भी आपको इसके अंदर फायदा करते हैं। और उसी प्रकार से प्रीबायोटिक्स हैं वो टिपिकली हाई फाइबर फूड हैं जो बैक्टीरिया को इम्प्रूव करते हैं, और उसका मकसद यही होता है कि इन ऑर्गेनिजम्स को हम परमानेंटली उनका सेवन करके यूजफुल बना सकते हैं, उनका डैमेज कम कर सकते हैं। जैसे कि होल ग्रेन है, कुछ फल हैं जैसे केले हुए या अमरूद हुआ, प्याज हुआ, गार्लिक हुआ, सोयाबीन्स हुआ, और ऐसी कई आइटम्स हैं जो प्रोबायोटिक्स के रूप में और प्रीबायोटिक्स के रूप में हम अगर अपने फूड में ऐड करें तो इससे इनका डैमेज भी कम होगा और इसका जो मेंटेनेंस है वो बहुत अच्छी रहेगी और हमारा हेल्थ इम्प्रूव करेगी। क्योंकि इसके जो ओवरऑल अगर बेनिफिट्स की बात करें तो केवल गट की बात नहीं कर रहे हैं, केवल आंतों की बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो कंट्रोल हो रहा है वहाँ से वो आपके सिर से लेकर आपके पैर तक के अधिकतर जगह पर इनका असर डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहुँच रहा है। तो साथियों, ये जो साइंस है, पहली बात तो भगवान ने हमारे को इतना एक एडवांस प्रोटेक्शन और एडवांस हेल्थ मेंटेन करने का सिस्टम दिया, लेकिन हमने उल्टी सीधे चीज़ें खाकर, ज़्यादा स्ट्रेस रखकर या गलत तरीके से एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर हमने इनको डिस्ट्रॉय करना शुरू किया। लेकिन भगवान ने, नेचर ने ये भी हमें दिया है कि हम नेचर की ही चीज़ों का इस्तेमाल करके प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स के माध्यम से इसको ठीक कर सकते हैं। आज की तारीख में विभिन्न मार्केट के अंदर अगर आप देखें तो कई चीज़ें प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक के नाम से बिकती हैं। वो क्लेम करते हैं कि आपके पेट के बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया को वो रिवाइव करते हैं और इम्प्रूव करते हैं, तो वो इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन हमें नेचर के पास वापस चलना होगा। हम नेचर के जितना नज़दीक रहेंगे उतना हम इन नॉर्मल बैक्टीरिया को मेंटेन कर सकेंगे, इम्प्रूव कर सकेंगे, और अगर कहीं उसको क्षति होती है तो नेचर द्वारा ही बनाई हुई अन्य चीज़ों का इस्तेमाल कर हम अपने शरीर को, अपने दिमाग को, अपने हार्ट को, अपने पेट को, अपने लिवर को, इन सबको अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो साथियों, आओ इस ज्ञान को आगे बांटें, अपने वीडियो को देखकर सब्सक्राइब करके, और ताकि अपने साथियों में भेजें ताकि उनको इन बातों का ज्ञान रहे। स्वस्थ रहो, सुखी रहे। धन्यवाद, नमस्कार।